ये देखें भाई रमजान की रौनक, बेसन पकौड़े शकौड़े हर चीज में काम आने वाला, पेस्ता मारा भाई पेस्ता। ये रमजानों में सबसे ज्यादा यही चीज चलती है पूरे पाकिस्तान में और इसको बोलते हैं मशरूब मशरक। अच्छा इस बार जो है हमने कुनौर की ग्रीन चटनी, ठीक है ये पहली दफा ली है। ये लिया है नेशनल का हैदराबादी अचार। वाले चने भी ना देखो बिल्कुल छोटे वाले हैं, ये भी देसी वाले हैं, ये पहचाने छोटे वाले जो होते हैं वो देसी होते हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई एंड वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं भाई? तुम ठीक हो? मजे में हो, एंजॉय कर रहे हो? बाकी सब लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कर रहे। चलें जी, आज जो है ना हम लोग कहाँ गए भैया? हम लोग आ गए हैं अलफता। अलफतेह जो भी हो, हमें तो ग्रोसरी लेने से मतलब है। बात तो सही है। तो हम आ गए भाई रमजान की ग्रोसरी लेने के लिए, आ जाओ चलो। पैकेजेस? ले लो, रखो रखो रखो। अच्छा मैगी भी ले लो। मुझे तो ले भी नहीं रहे। गजब बेइज्जती है। मैं भी खाऊंगा। मम्मी एंड मम्मा ओनली। मैं भी खाऊंगा। ले लो, जितना हम दिखा सकेंगे ग्रोसरी करते हुए उतना दिखाएंगे इंशाल्लाह। बाकी क्योंकि अक्सर जगह पे ना रिस्ट्रिक्शन होती हैं, अक्सर वीडियो बनाने नहीं देते, तो फिर हम बाद में शेयर करेंगे हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जो जो सामने आ रहा पहले वो रख लो। ज़्यादा है थोड़े से मेरे ख्याल। नहीं ये मतलब ये तो इमरजेंसी के लिए, हम तो खाते हैं नहीं, इमरजेंसी के लिए नहीं है। रख लो रख लो। नौर का हाफ के जी लो, हाफ के जी, हाफ के जी, हाफ के जी होकर निकालो। उठाओ उठाओ। मम्मा का हाथ, हाथ नहीं जा रहा। मम्मा का हाथ तक ही जाता, हाथ नहीं जा रहा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये क्या सेव रुपीस 15 इस पे लिखा है, उस पे नहीं लिखा होगा। कौन सा ले? जिस पे लिखा है वो ले लो, बात एक ही है। नहीं हां ले लो ले लो ले लो। चिली गार्लिक सॉस कोई फर्क तो नहीं है इसमें? पता नहीं। अच्छा ये ले लिया। अच्छा वो है, पता नहीं। इसके साथ फ्री बॉल जो है इसके साथ, लेकिन हम इतना बड़ा ले लिया। ऐसी बॉल होगी ना बाउंस करेंगे, बाउंस भी नहीं होगी। सैंडविच ये है और ये मायो, इसका मायो मायो चप सॉस। अच्छा केचप और मायो को मिला दिए। अच्छा 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 मायो चप सॉस गुड हो गया जी, गुड हो गया जी। ये देखें भाई रमजान की रौनक, बेसन पकौड़े शकौड़े हर चीज़ में काम आने वाला। बेसन हो गया, आलू के पकौड़े होते हैं उसमें काम आता है। चने आ गए भाई, फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। की ट्रॉली बहुत स्मूथ है, ऐसी स्मूथ ट्रॉली मुझे ना कहीं नहीं मिली आज तक किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। इनकी ट्रॉली बेनता स्मूथ है। आओ, अच्छा ये रहे मैंगो है। हाँ मैंगो ले लो, ले लो भाई। टैंग लेना? नहीं टैंग नहीं यार, टैंग टैंग सिर्फ वेस्ट होता है हमेशा हमारे घर में। शरबतों की वैरायटी भी अच्छी खासी है इनके पास। प्याज शान मछली बछरी संदलीन जामशीरी, असल में प्रमोशन बहुत करता रहता। नहीं लोग पीते नहीं पीते, मैं तो ज़्यादातर लोगों को रोमता पीते हुए देखा है। जामे मछीरी वाले प्रमोशन बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा पत्ती तेल और दूध मैंने दराज से मंगवा लिया था, तो दराज से आ जाएगा। इनका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, फ्रेश आइटम्स का जो पूरा सेक्शन है यहाँ से, लेकिन हमें अभी फिलहाल कुछ भी नहीं लेना क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं घर के अंदर। ये सीन है भाई। जो हम बड़े बिस्किट खाते हैं ना, इसको छोटे छोटे बिस्किट से। ये हाँ कितने बड़े बाइट्स हैं देखो। बिल्कुल वो है कोकोमो की तरह ना होने के बराबर। फिर बड़े नहीं लेते। किधर है बड़े? ये पैकेट है। ये बेबी ये रहा ना सामने, बेबी ये भी है अच्छा, ये रहा सामने बेबी। हम कौन सा ऊपर है ना ऊपर, ये रहा टेक्सास बारबेक्यू, ये लेते हम ये फ्लेवर लेते। ट्रॉली हमने चेंज कर ली है क्योंकि अब्दुल्ला को शौक हो रहा था, मैंने कहा चलो फिलहाल इसमें ले लो, बाकी दोबारा से बड़ी ट्रॉली ले लेंगे बजी सामान के लिए। हेयर ब्रशेस प्रीमियम क्वालिटी वुड वाली भी है कम आजकल, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। नमाजें जनमाजों की प्राइसेस
बहुत ज़्यादा है एक्सपेंसिव, 2500 रुपये। मैंने ली थी सदर की मार्केट से, रावलपिंडी से मैंने ली थी, 1350 रुपये की ली थी। और वही हम जब एच नाइन की मार्केट में गए थे वही जनमाज हमें 1250 की मिल गई थी, और यहाँ पे 2700-2500 रुपये की है। 245 की है ये, 160 की है, अच्छी है ना। 190 की है, कलर्स भी है इसमें। ये तो मैंने बहुत देखे, लोग ये बहुत यूज करते हैं वाले, फ्रूट्स के लिए, रोटी के लिए, इसके लिए बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, रोटी के लिए ज्यादा लोग यूज करते हैं, मतलब रोटी के लिए तो ये ज्यादा बेहतर है। रोटी, हाँ जी भाई, आज जो है ना हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं रमज़ान की थोड़ी बहुत जो हमने ग्रॉसरी की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई थी जो हमने जाके अलफतह से ली हैं। यहाँ आने के बाद, इस्लामाबाद आने के बाद हमारा ज़्यादातर जो ग्रॉसरी का सीन होता है वो अलफतह से ही होता है। डिवॉर्सन से भी ली है ना, कुछ चीज़ें डिवॉर्सन की भी इसमें हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी 99% इसमें ग्रॉसरी है वो अलफतह से है, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं, बेगम आपको बताएंगे हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। अच्छा, ज़्यादातर चीज़ें ना जो हमने पिछले मंथ खरीद ली थी, थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी थी वो हमने दी हैं इस बार ना, और जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट की चीज़ें होती हैं वो हम बिल्कुल रमज़ान से बिल्कुल पहले जो डेज होंगे ना उसमें खरीदेंगे, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती हैं, जैसे दही भल्ले वगैरह की जो वो होती हैं बड़े मिलते हैं, जैसे हम लोग कराची में लेते थे वो हमें मिलती थी दूसरे तरह के, और यहाँ पे मिलते हैं भल्ले स्टाइल में। सबसे पहले ये एक छोटी ट्रे मैंने ली है, ठीक है, और ये डिवॉर्सन से लिए, और ये मेरे ख्याल से 150-160 समथिंग की थी, है ना, पता नहीं मुझे याद नहीं है, हाँ इसी तरह की कुछ थी। अच्छा ये लिया है, ये 3 का पैक है स्कॉच ब्राइट के लिए ना, वाइप करने के लिए, ये एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, बहुत अच्छी चीज होती है ये, सही है। अच्छा इसके अलावा छोटी सी एक बास्केट ली थी ये मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए, इसमें बहुत सारे कलर्स भी थे, ये डिवॉर्सन से ली थी, और ये भी 160 की थी, हाँ इसमें अच्छी खासी चीजें आ जाएंगी अंदर, ठीक है। ये एक ये ली थी, ये एक छोटी सी बास्केट और ली थी, इससे ना चीजें मतलब छोटी छोटी चीजें है ना ऑर्गेनाइज होके हम रख सकते हैं, और इसके अलावा ये किचन में भी काम आ सकता है, तो ये मेरे ख्याल से 100 समथिंग का था, ये भी बहुत सस्ता था, ये 190 अच्छा ये भी डिवॉर्सन से लिया था। अच्छा अब जो है ना मेन ग्रॉसरी अब शुरू होती है इंशाल्लाह, ये जो 3 बेसिक वो चीज़ें थी ट्रेस वगैरह, अब ये आ गई है बेसिक ग्रॉसरी, चलो दिखाते हैं। अच्छा ये रोज पेटल के हम ये वाले टिश्यूज यूज करते हैं, ये हमने 2 पैकेट लिए हैं क्योंकि टिश्यू हमारे घर में बहुत यूज होते हैं। ये जो पीछे बच्चा नजर आ रहा है आप लोगों को, ये बच्चा दाया करता है सारा टिश्यूज, हाँ ये टिश्यूज ये लिए हैं, ठीक है। अच्छा वो जो रोल टिश्यू था जूप का वो हम पहले ले चुके थे, पिछले मंथ ले दिया था, वही मैं कह रही हूँ ना कि काफ़ी सारी चीज़ें हम पिछले मंथ ले चुके हैं, ठीक है। ये लिया है नेशनल का हैदराबादी अचार, मिक्स्ड अचार, ठीक है, और ये सबसे बेस्ट मतलब अच्छा अचार हमने जितने भी ट्राई किए हैं ना तो सबसे अच्छा ये अचार हमें लगता है, ठीक है। इसके अंदर वो कैरेट भी होता है, आम भी होता है, लेमन भी होता है, सब कुछ होता है, हरी मिर्चें भी होती हैं, और टेस्ट बहुत अच्छा होता है नेशनल के अचार का, ठीक है। ये लिया है हमने, अच्छा ये एक डेकोरेशन के तौर पर मैंने लिया है, नज़र आ रहा है, लाइट बंद होगी तो नजर आएगा, नहीं आ रहा है, आ रहा है। हाँ तो ये जो है मतलब एक डेकोरेशन पीस है, तो ऐसा लग रहा है कि एक मोमबत्ती है, और है ये प्लास्टिक का, ये हमने कहाँ से अलफतह से लिया था, ये भी ये तो सारा अलफतह का है ना सारा, हाँ ये कितने का था, ये 200 समथिंग का था, 400 रुपए का है, 395 का है। अच्छा इसमें साइजेस भी थे तो हमने जो है मीडियम वाला, मीडियम वाला है ये। अच्छा यहाँ से जो है ये ऑन ऑफ का है, और सेल भी लगती है इसके अंदर ना। अच्छा इसके अलावा ये फलक के येलो वाले हम लोग राइस इस्तेमाल करते हैं, और ये बिरयानी के लिए जो है बहुत अच्छे होते हैं वाले राइस ना। कितने लिए, 1 2 ये कितने का है, 3 ये फलक 425-430 का मिला है। अच्छा 4 लिए हमने, लेकिन ये होते बहुत अच्छे हैं वाले ना, ये बिरयानी के लिए बहुत अच्छे चावल है। ये हमने 4-5 ये लिए, ठीक है, और जो हमारा ये मसालों का स्टॉक वो बहुत सारा रखा था पिछले मंथ, तो हमने सिर्फ ये लाल मिर्च हमारी जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो ये एक लिए शान की, ठीक है। इसके अलावा बाकी मसाले हम लास्ट मंथ ले चुके हैं, काफ़ी सारे मसाले रखे हैं, मेरे हमने मसाले कुछ लिए नहीं है। अच्छा इसके अलावा एक ये छोटा हनी लिया है, ठीक है, ये हमने लिया है, ये लैंगनीज का सबसे छोटा वाला। अच्छा ये हम जो यूज़ करते हैं वो प्योर बी हनी होता है ना, ये गोल्डन क्लियर, इसमें बहुत सारे आते हैं लेकिन हम ये वाला यूज़ करते हैं जो सबसे सिंपल वाला होता है, क्योंकि हमें ज़्यादातर अब्दुल्ला को देना होता है क्योंकि उसके गले का मसला है, और ये भी छोटा रहने की वजह ये थी कि पहले जो बड़ी वाली बॉटल, हाँ वो अच्छा खासा उसमें बचा हुआ था। अच्छा इसके अलावा ये पक्की चीज़ ली है, क्रीम चीज़ ये लिया हमने, ठीक है। ये पड़ती है 970 कुछ की अलफतह से,
हाँ लेकिन कराची में हम कितने की लेते थे? कराची में पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता एक्जेक्टली, लेकिन थोड़ा सा खैर 19-20 ही था, ज़्यादा मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा ये लिए ठीक है, ये कोबरा का, ये इस बार ब्लू वाला हमने एयर फ्रेशनर लिया है, इससे पहले हम ब्लैक वाला यूज करते थे। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो थोड़ा फ्रेश ओशन वाली जो होती है ना, ब्लू जिन जो बॉटल्स होती है ना उनकी जरा ओशन और मैरीन टाइप की वो होती है फ्रेग्रेंस, तो ये वैसी है। और इसका जो ब्लैक वाला होता है वो थोड़ी परफ्यूम टाइप की होती है। तो ये तो फ्रेग्रेंस है ना, इसमें साफ क्यों बनाया हुआ है? कोबरा है ना, कोबरा कोबरा है। अच्छा ये कितने का था? ये 545 का था। ये तो बहुत बहुत सस्ता होता था जब हम लेते थे, ये 545 समथिंग का था यार, मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा ये तो हो गया ना महंगा। ये एक मैक्स बार लिया ठीक है, मैक्स बार बड़ा तो एक काम आता है, पता ही होगा आप लोगों को। नहीं खड़े गरम मसालों में सारे मसाले थे मौजूद। ये वो दालचीनी का एक पैकेट लिया ठीक है, और ये इस पे देसी स्पाइसी, ये मतलब वहाँ पे हमें अलफतेह पे ये हमें खुले स्पाइसेस में ये मिल रहा था। वहाँ पे दो तरह के मुझे याद पड़ रहे थे, एक अलफतेह के अपने थे और एक ही देसी स्पाइस के नाम से कोई कंपनी का, मतलब दिखाओ फार्म पीता पाम पीस। अच्छा इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस नहीं प्राइस नहीं दी बहरहाल, तो ये फार्म फील्ड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें चलती हैं। अच्छा वाइट चनों का एक पैकेट लिया। अच्छा ये छोटे वाले चने ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा मज़े के होते हैं, ये देसी होते हैं, जो 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 मोटे वाले होते हैं ना, जो जो बड़े साइज के जो चने होते हैं वो देसी नहीं होते हैं और वो टेस्टी भी ज़्यादा नहीं होते हैं, ये टेस्टी भी ज़्यादा होते हैं और ये देसी हैं ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें पता धोखा हो गया, ये ज़्यादा मुझे याद पड़ रहा है, प्राइस इसकी लिखी हुई थी 350 कुछ, और जब मैंने बिल देखा ना बिल में 650 का था एक किलो, लिखा हुआ है नहीं इस पर एक्सपायरी लिखी, प्राइस नहीं लिखी हुई होती, 1 kg है, 1 kg है ना। अच्छा काले वाले चना भाई 350 के आसपास। हम ये करेंगे कि इसको हम जो है एक दिन भिगो देंगे और फिर एक दिन बॉईल करके इसके जो है हम शॉपर्स बना के या जिप लॉक बैग में करके इसको फ्रीज कर देंगे, तो ये मतलब एक हफ्ते का ऐसा हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 2-3 लोग ही हैं और अब्दुल्ला है बस, तो ये एक हफ्ते का 1 kg, फिर इस तरह हम लोग जो है ना बार बार जो है मतलब फ्रेश फ्रेश लाते रहेंगे, तो इसलिए अभी फिलहाल एक पैकेट लिया, क्योंकि बारिश का सीजन है ना, तो बारिश में ना इस तरह की चीजें खराब हो जाती हैं। हमने काले चने भी लिए ना, काले चने पता है, काले चने सस्ते हैं। अच्छा काले चने जो है ना, किलो का पैकेट 350 का ज्यादा मुझे याद पड़ा है बिल में था, और वो 650 का था, मैं तो देख के बिल्कुल वो गया यार एकदम। अच्छा काले चने भी ना देखो बिल्कुल छोटे वाले हैं, ये भी देसी वाले हैं, ये पहचान है, छोटे वाले जो होते हैं वो देसी होते हैं, ज्यादा टेस्टी होते हैं और ज्यादा जल्दी गलते भी हैं, तो ये भी हमने छोटे वाले लिए, बड़े भी मिल रहे थे लेकिन 2 kg पैकेट लिए, ज्यादा हम तो काले चने खाते हैं। हाँ ये 2 kg का है, किलो 1 kg अंदर हाँ, ये 1 kg का एक पैकेट, तो इसका भी यही करेंगे हम, बॉईल करके इसको भी फ्रीज कर देंगे, और मसाला भी इसका जो है मैं फ्रीज करके अक्सर रख देती हूँ तो आसानी हो जाती है। अच्छा ये 2 पैकेट लिए ठीक है। अच्छा इस बार जो है हमने कुनौर की ग्रीन चटनी ठीक है, ये पहली दफा ली है, मुझे लग रहा है ये अच्छी होगी, हाँ ये मैंने पढ़ी थी ना लाइन, तो जो घर की हमारी ग्रीन चटनी बनती थी वो बहुत अच्छी लगती है ना पकौड़ों के साथ, वो केचप और चटनी ग्रीन चटनी मिलाकर पकौड़ों के साथ खाने में ना बहुत मज़ा आता है, तो मुझे लग रहा था कि कुनौर की बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं तो ये भी अच्छा होगा, और ये केचप भी बहुत अच्छा होता है, तो ये भी मुझे लग रहा है अच्छा होगा, और ये 200 समथिंग का था। अच्छा सोप्स जो थे वो मौजूद थे पहले से, तो इस बार ट्राई करने के लिए ये नया वाला पर्पल पामोलिव का आया है, कोई नॉर्मली कैप्री आता है, हाँ ये आता है क्योंकि ये ड्राइनेस नहीं करता है ना, तो ज़्यादातर हम इसी के येलो ऑरेंज और जो होते हैं इसकी फ्रेग्रेंस आते हैं वो यूज़ करते हैं, तो ये एक लिया है और ये लिया है, बाकी हमें घर में पहले से मौजूद थे ठीक है, हमने ऐसे ही ले लिया, बाकी हमने जो दरासे मंगवा लिया है दूध का कार्टन ठीक है आ गया होगा, और ये सबसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रमजानों की जो है, और ये बहुत रमजानों की सौगात होती है, उठा भी नहीं सकती, ये रमजानों में सबसे ज्यादा यही चीज चलती है पूरे पाकिस्तान में, और इसको बोलते हैं मशरूब मशरक रूह अफजा। अच्छा मैंने सुना है रूह अफजा वालों ने 100 साल के बाद अपना कैप चेंज कर दिया, लेकिन हमें नहीं कैप चेंज मिला इसका, कैप इसका खराब हो जाता है ना एक दफा खुलने के बाद, नहीं 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 पहले होता था अब नहीं होता, अब नया अब आज ही मैंने इसका देखी है पोस्ट कि उन लोगों ने 100 साल के बाद अपना कैप चेंज कर लिया, हो सकता है लेकिन पहले नहीं होता था, अब जो है सॉरी पहले इसका कैप जो है ना खुलने का खराब होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्ष से मैं नोट कर रहा था कि ये खराब नहीं होता। अच्छा ये कौन सी कितनी ml वाली बॉटल है, ये पता नहीं कितने ml की बड़ी बॉटल है, ओवर 100 इयर्स लिखा हुआ है इसमें, ये है भैया कितने ml है ये,
ये 1500 ml डेली लीटर है। अच्छा मैंने लेना था मिचेल्स का मैंगो स्क्वैश ना, क्योंकि वो मैं पीती हूँ, मैं ये नहीं पी पाती क्योंकि मुझे बहुत मीठा लगता है। तो वो था नहीं अलफतेह में, ऑरेंज था, तो वो जब आ जाएगा तो फिर वो खरीदेंगे क्योंकि मैं ये नहीं पी पाती हूँ। हाँ लेकिन ये मेरा फेवरेट है, इसके बगैर अफ्तार नहीं होता मेरा। और मैं कम से पी लेता है अब्दुल्ला को भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है, गर्म पानी में दे देते हैं इसको। और ये जो है मैं तकरीबन कोई अफ्तारी में 4 से 5 गिलास मुका देता हूँ ये। और ये जो है ना भाई रमजानों में तो भाई ये खास चीज है ये। हाँ इसके अलावा सारे मसाले मौजूद थे, और इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट चीज है, भले हमें दही भले के भले हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, दालें सारी रखी हुई थी सही है, गरम मसाले भी रखे हुए थे, गरम मसाले भी, और चार हमने ले लिए। इसके अलावा जो मीट वगैरह का आइटम है वो तो अलग से आता ही रहता है, अलग से। हाँ अलग से आएगा अभी भी। ये मैं कहना चाहती हूँ कि किसी ने ये ट्राई नहीं किया ना तो ये जरूर जो है ट्राई करें, ये बहुत अच्छा होता है ये वाला चार, बहुत मजे का होता है ये वाला नेशनल का। आज दोबारा से हम लोग ग्रोसरी आप लोगों को जो मजीद हम लेकर आए वो दिखाते हैं, तो बेगम आपको बताना शुरू करेंगे। अच्छा, अल्फतेह से ये दिया है, लेकिन ये दूसरा अल्फतेह है ना, ये कहाँ है, F10 या F11 का? F11, F11। अच्छा देखो चीजें हमने दराज से ही मंगवाई, जैसे ये तेल है इसके अंदर में खाले पत्ती होगी, इसके अंदर में खाले बॉडी लोशन होगा, देख लेंगे ना वो कट करके दिखा भी देंगे। अच्छा ये है बेबी वाइप्स, और ये इसलिए लिए हम लोग, इससे हम थोड़ी बहुत जो है सफाई वगैरह भी कर लेते हैं, डस्टिंग वगैरह भी इससे जरा अच्छी सी हो जाती है, कोई भी चीज गिर जाए दस्तरखान पे या टेबल पे तो इससे सफाई आसानी हो जाती है। आप ये मत समझिएगा कि अब्दुल्ला के लिए यूज होता है, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये यूज होता है दस्तरखान साफ करने के लिए, क्योंकि हमारा वो दस्तरखान प्लास्टिक वाला है ना। अभी सामने डिवाइडर है, इसकी सफाई करनी है, शीशे की सफाई करनी है, तो इन चीजों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है हमें, वाइप से हम साफ कर लेते हैं। चलो ये हो गया वाइप, और ये तो स्नैक्स थोड़े बहुत अब्दुल्ला ने शॉप में ले लिए हैं, चिप्स थोड़े से। ये है नट्स, ये है अखरोट आ गए, ये खीर वगैरह के काम भी आएगा अभी रमजान में, और इसके अलावा हम रेगुलर बेसिस पे भी कोशिश करते हैं कि इसका जो है मतलब इसका इस्तेमाल होता रहे, दिमाग के लिए अच्छा होता है। बादाम लिए, बादाम भी अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। काजू आजू माजू, ये भी बहुत मजे की चीज़ होती है भाई। पेस्ता माड़ा भाई पेस्ता, चलो ये भी हो गया। अच्छा और हमारे पास कैसे बिल्कुल नया हमारे पास पाउच रखा, लास्ट टाइम गए थे तो हमारे घर में था कि चिली गार्लिक घर में है, बट चिली गार्लिक थोड़ा सा कम रह गया, क्योंकि हमारे ज्यादातर यूजेज जो है चिली गार्लिक का, केचप का इतना। अच्छा ये भी कुनौर का है, और केचप भी कुनौर का है, और जो हमने उस दिन ग्रीन चटनी लिया वो भी कुनौर की है। हो गया जी, ठीक है ये है, गुड हो गया जी। और उस दिन रूह अफजा लिया था, आज ये मुझे मिल गया मैंगो स्क्वैश, ये मैं पीती हूँ, रूह अफजा नहीं पीती मैं, बहुत मीठा लगता है मुझे। चलें जी ये भी हो गया, ये मिचेल्स का मैंगो स्क्वैश है, इसमें 2-3 फ्लेवर्स और आते हैं, लेमन का आता है, ऑरेंज का आता है, लेकिन सबसे अच्छा ये मैंगो लगता है, सही है। इसके अलावा एक ये छोटा पाउच लिया है, ये तो ऐसे ही ले लिया टैंक का टैंक का, क्योंकि इतना पीते नहीं हम टैंक रमजान में, ठीक है ये लिया। और ये ब्रैन फ्लेक्स, ये ऐसे ही जैसे बीच में भूख लग जाए रमजान के दिनों में, तो ऐसे हल्के से स्नैक के तौर पे, मतलब थोड़ा सा पेट भर जाता है इससे, गुड हो गया जी। और ये इमरजेंसी के सूरत में अगर भूख लगे तो, वरना हमारे घर में इसका इतना यूज नहीं होता, ये इस्तेमाल होता ही नहीं है। बच्चे तो रेगुलर खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसकी कोई ऐसी आदत नहीं है, कोई भी नहीं, कोई आदत नहीं, हमें बनता ही नहीं हमारे घर। हमने खाले लिए थे इस्लामाबाद आने के बाद, वो जाके अब खत्म हुए 2 महीने में, और अभी हमने दूसरी बार लिए। अच्छा ये हमारा फेवरेट चिप्स खजूर भी है पहले से आई हुई है, तो ऑलमोस्ट अलग से सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हमने चने वने भिगोने, चने बॉईल करने, दही बड़े के बड़े लेने, बूंदियां यहाँ पे बूंदियां भी मिलती है और यहाँ पे बड़े भी मिलते हैं, तो बूंदियां बड़े फर्क नहीं है, बड़े वो वाले होते हैं ना जो बाजार वाले दही बड़े होते हैं ना, जिसके बड़े बड़े से बड़े होते हैं, बड़े 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 बहुत बड़े होते हैं भाई। ये चलो ये खोलो, ये खोलो इसके अंदर क्या, इसके अंदर हाँ ये आराम से खोल लो, या तुम बना लो मैं खोल लेता हूँ, आराम से खोलना, नीचे वो ना कट जाए, इसके अंदर वो होगा हल्के हल्के हल्के, इसके अंदर वो होगा बॉडी लोशन होगा यकीनन, निकालो। अच्छा ये जो बॉक्स ये दराज का है, ये हमने ओपन कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर से ये 2 चाय की पत्ती निकली है, और हम लोग टपाल फैमिली मिक्सर यूज़ करते हैं, ठीक है ये 2 है, और बॉडी लोशन है, ये हम तीनों यूज़ करते हैं, बॉडी लोशन हम तीनों का काम आता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम जो है यही वाला यूज़ करते हैं। ये वो वाला है जो अंदर से वाइट कलर का होता है, अंदर से पिंक वाला भी होता है ना, वो बहुत ग्रीजी होता है, वो अच्छा नहीं होता है,
ये अच्छा होता है, ये ना फॉरन जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, ये रेगुलर यूज का है. और हम मेरे ख्याल से बड़ा वाला था, हमने इसलिए छोटा मंगवाया ना. नहीं, दराज के ऊपर बड़ा अवेलेबल नहीं था इसलिए छोटा वाला मंगवाया. हम कौन सा 300 ml होता है, लेकिन ये सही है गर्मियों में. इतना मतलब यूज तो हमारा रेगुलर है, बट गर्मियों में फिर भी कंपैरेटिवली सर्दियों से ज्यादा. ऑयल दिखा दिया, ऑयल दिखा दो ना. ऑयल भी हमने खोल लिया दराज से, हमने मंगवाया था. टाइम लग जाता है. तेल जो है ना हमने दराज से मंगवाया तेल भी, और हमने इसको खोल लिया. ये पैकेट के अंदर था. और अच्छा, इसका रैपर भी कट गया कटर की वजह से ना. और ये देखो ना यहाँ पे कट लग गया, ये खतरनाक. अब मुझे टेंशन हो रही है कि तेल कहीं लीक ना कर दे. अच्छा, ये है ईवा का सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, 3 liter ना, 3 liter वाला. हमारे में 3 liter काफी होता है, ज्यादा इस्तेमाल. हाँ, ज्यादा हमारे यहाँ से फ्राइंग का वो होगा भी नहीं इस बार, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हैं. तो क्या कहते हैं, ये काफी होगा हमारे लिए ना, बल्कि ये बस. हाँ, ये और पहले का भी रखा है, पिछले महीने का भी अभी तक यूज नहीं हुआ है पूरा, वो भी अभी तक रखा हुआ है. तो मोस्ट प्रॉब्ली मिला के हमारा ये और वाला तेल मिला के हमारा इंशाल्लाह गुजारा चल जाएगा. ठीक है, तो अब लेकिन मुझे इसको ना शिफ्ट करना पड़ेगा. इत्तेफाक से पुराने वाली बोतल रखी है अभी तक, और जग भी है, ऑयल का जग भी खासा. जग में 1/2 liter आता है मुश्किल से, पूरा नहीं आता, 1 liter भी नहीं आता. तो बहरहाल इसको मैं पुरानी बोतल में शिफ्ट कर दूंगा. पुरानी बोतल हमारे पास है, उसमें इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा. चले जी, ये था हमारा कंप्लीट शॉपिंग का. बेसन अंदर रखा है फ्रिज में, डेट्स भी रखी है, डेट्स भी अंदर फ्रिज में रखी हुई है, हम ला चुके हैं लास्ट जब हम गए थे वो तो हमने इसी. हाँ, इसी उसमें हमने बताया था आप लोगों के साथ, आप लोगों को. तो अब ये सीन है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. रमजान ग्रॉसरी के हमारे शॉपिंग ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. तो भाई जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं हमारी. हमारा ये पहला रमजान होने वाला है इंशाल्लाह 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 इस्लामाबाद के अंदर. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें भाई, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें. और रमजानों में जो है खासतौर पर अब्दुल्ला की हेल्थ के लिए बहुत दुआ करें, दुआ करें. अब्दुल्ला बहुत एक्साइटेड है रमजान को लेकर, रोज़ा भी वो नहीं रखता, अभी रोजा नहीं रखता, लेकिन इंशाल्लाह एक आध साल और इंशाल्लाह स्कूल शुरू होने वाला है तो सब कुछ अच्छा रहे, ये भी दुआ करें. बस दुआओं में याद रखें, रमजान में खास खास दुआओं में याद रखें. बहुत सारा ख्याल रखें. थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.